क्या कर रही हैं? सर वर्तमान में मैं एक शिक्षिका हूँ। कहाँ पर? जिनकी उच्च विद्यालय दीपा जूलॉजी पढ़ाती है हाई स्कूल में? नहीं सर, वहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। सेवा में आने का क्या कारण है? क्या शिक्षक के रूप में संतुष्टि नहीं है या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उसके बाद शाखा पदाधिकारी ऐसा क्यों? बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में यदि आपका पदस्थापन कहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो गई, जैसे किसान आंदोलन जैसा है और आजकल है कि जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी तुरंत ऊपर हो जाते हैं, आप होम स्टेट के रूप में पदस्थापित हैं, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे? सब सर्वप्रथम एक महिला होने के नाते मुझे धैर्य कौशल सीता का गुण है, तो इस गुण में उपयोग करके मैं सबों को समझाने का कोशिश करूँगी। मैं खुद धैर्य प्रदर्शन करूँगी, उनकी बातों को सुनूंगी और उन्हें इस आंदोलन में उड़ने होने के लिए या अपनी बात सामने को बदलने का प्रयास करूँगी। कोई सॉइल में इरोजन नहीं हो, उस सॉइल में पॉल्यूशन नहीं हो, उसके लिए आप कृषि के क्षेत्र में क्या करना चाहती हैं? किसान खेती करते हैं, खेती के करने के दरमियान बहुत सा कंपटीशन भूमि में होता है, तो कौन सा काम करके हम उनको उनके उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाए और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित सुरक्षित और संवर्धित रहे? क्या करें सर इसके लिए? जैविक कृषि को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जो हमारे कृषक का अमृत कहा जाता है उसके बारे में बताना होगा कि जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सर जो खेतों में पराली जलाए जाते हैं उसे भी मिट्टी में जो हाइड्रोजन पानी है जो लाभदायक होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जैविक घास के पौधे जैसे हरे गले पत्ते गोबर इन सभी चीज़ों का उपयोग करके गुणवत्ता का निर्माण करने को प्रेरित किया जा सकता है। सरकार ऐसा बिहार सरकार ऐसी कोई योजना चला रही है जिससे इस समस्या का निदान किया जा सके? इसलिए सर अभी जैविक कॉरिडोर की बात की गई है, 13 राज्यों में ये लागू है जिसके तहत गंगा के किनारे किनारे जैविक कृषि की बात की गई। जल जीवन हरियाली ये जल जीवन हरियाली ऐसा शीर्षक देकर के क्या संदेश सरकार देना चाहती है? सर जल जीवन जो हरियाली है इसका अर्थ यह है कि जल और हरियाली के बीच में ही हमारा जीवन है। अगर जल रहेगा और हरियाली रहेगी तभी इस धरती पर जीवन संभव है। इसके तहत सैटेलाइट के थ्रू जितने भी हमारे पुराने भूमि हर पाइन जो आज तक खत्म हो चुके हैं उनके रोहनों में पुनः दोबारा उसी अवस्था में प्राप्त करना है, उनकी खुदाई करके उनकी सफाई करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देना है, चौकर का निर्माण करना है ताकि हमारा वाटर साइकिल भी और जमीन के अंदर जो मृदा है और वाटर लेवल है वो बढ़ाए। Thank you.
यस यस सर आप जियोलॉजी से किए हैं? जियोलॉजी से, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपने ये ग्रेजुएशन के लिए बहुत बढ़िया पढ़ा है, तो उसके बाद आपने ये इंटरेस्ट क्वाइट डिफरेंट, टोटली डिफरेंट से इसको क्यों चूज किया? ये बात बताइए कि आपने कहा समाज की समस्याएं जो है उसके बारे में है, अरिस्टॉटल करता है, इसमें कौन सी ऐसी समस्या आपको अरिस्टॉटल ने मिली जो आपको सबसे ज्यादा ज्वलंत लगती है? यहाँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इसे देखना जरूरी है। क्या है बाल श्रम के बारे में सर बात क्या कर रही है? चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजंस किए हैं, धाराएं बनाई गई हैं, कितने नंबर हैं टोटल, कितने हैं? 10, 20, 50 कुछ पता है? अच्छा कोई बात नहीं, चाइल्ड लेबर का डेफिनेशन बताइए। वैसे बच्चे जिनकी आयु 14 वर्ष से कम वो कहीं भी कार्य करते हैं, शारीरिक और मानसिक कार्य करते हैं, उन्हें श्रम बाल श्रम की श्रेणी में रखा जा सकता है। कहीं कुछ छूट भी मिली है क्या इससे? यस सर। क्या मिली है छूट? कोई बच्चे कहीं वर्कशॉप है जहाँ सिनेमा में कार्य करते हैं या उसकी फैमिली द्वारा कोई छूट चलाया जा सकता है, वहाँ कार्य करते हैं तो उन्हें छूट मिलती है, पढ़ाई के साथ छूट मिलती है। पढ़ाई के साथ छूट मिलती है। सरकार कुछ उन लोगों को हेल्प भी करती है ऐसी परिस्थिति में? यस सर। क्या हेल्प करती है? सर उसके लिए प्रोविजन है बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन से संबंधित, उनके पुनर्वास से संबंधित बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं, शेल्टर होम की स्थापना की गई और कुछ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जिसके द्वारा बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाता है। और कुछ? चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं। उद्योग का डेफिनेशन बताइए, इंडस्ट्री का? सर इंडस्ट्री उसे कहते हैं जहाँ सुनियोजित तरीके से किसी भी वस्तु का उत्पादन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पैकिंग सब कुछ होता है, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। एलएसडब्ल्यू में इंडस्ट्री का क्या डेफिनेशन दिया गया? सर एलएसडब्ल्यू में कहा गया है जब नियोजित अपने कार्यस्थल पर किसी को भी पैसे की सहारा पैसा देते या बिना पैसा से सुनियोजित ढंग से प्रकार करवाता है जो उत्पादन और सेवा सभी से संबंधित। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा है आपने, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को कैसे डिफाइन किया, क्या डेफिनेशन? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किसी भी उद्योग में जो नियोजक और नियोजक, नियोजक और श्रमिक और श्रमिक और श्रमिक के बीच कार्य की शर्त एवं नियोजन की दशाओं में कोई विवाद उत्पन्न हो उसे औद्योगिक विवाद कहते हैं। ठीक है, इसको सुलझाने के लिए क्या तरीका है? सर इसको सुलझाने के लिए दो मेजर का अपनाया गया है, एक क्यूरेटिव है दूसरा प्रिवेंटिव है। ठीक है बताइए, क्यूरेटिव है? सर क्यूरेटिव में है कार्य समिति और परियोजना निगरानी समिति, लेबर कोड ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, पंचायती। आर्बिट्रेशन या पंचायती जो करते हैं वो क्या होता है?
उसके तहत ये है कि जब लोगों और श्रमिक के बीच में विवाद हो और उस विवाद को मध्यस्थ करके कोई व्यक्ति सुलझाए उसे पंचायती कहते हैं। ये व्यक्ति के बारे में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है? यस सर। क्या है? वो उनकी जो योग्यता है वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्र? यस सर। यस और सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने की या जज की? जज की 3 साल की इक्विवेलेंट। ओके हाँ। और ये इनका जो आदेश होता है क्या वो बाध्यकारी है दोनों पे? आर्बिट्रेशन में जो ये देते हैं रिपोर्ट करते हैं दोनों के बीच समझौता का, क्या ये दोनों पे बाध्यकारी होता है? अगर किसी पक्ष को इनकार हो इससे तो क्या वो आगे अपील कर सकता है? लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, बिहार में टोटल कितने लेबर कोर्ट्स हैं? संविधान के अनुच्छेद 43। ठीक है। इसमें कहा गया है कि सर जो कारखाना है उसके प्रबंधन में जो श्रमिक है उनकी सहभागिता ली जाएगी। प्रबंधन में किस प्रकार की सहभागिता ली जाए? 5 प्रकार की दी गई है, जैसे प्रशासनिक भी उसमें है, निर्णयात्मक भी है, फिर उसके बाद सामाजिक भी है उसमें। भारत सरकार का कोई ऐसा प्लान योजना बताइए जो इस वर्कर्स पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट को दिखाता है, उसको मतलब उद्देश्य करके बताया जाए। कोई ऐसी है जिसकी कोई ऐसा कार्य? चलिए बढ़िया। अब जो सामाजिक समस्याएं, ठीक है, इसमें महिलाओं की समस्या बढ़ते हैं, बच्चों की समस्या बढ़ते हैं, भिक्षावृत्ति की समस्या बढ़ते हैं और समाज के सबसे निचले स्तर के जो लोग हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति संरक्षण के बारे में, इस सब में से सबसे ज़्यादा आज के दिन कौन सा चीज है जो रिलेवेंट है कि इसमें से ये समस्या सबसे ज्यादा है, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? आप चाइल्ड लेबर बोल चुके हैं इससे बात। कुपोषण। ठीक, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा बताइए आपसे क्या पूछ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको बहुत रुचि है? तैयारी कर ली है ना, एजुकेशन वगैरह ली है? कुछ लगता होगा ना कि इंटरव्यू में जाएंगे ये चीज पूछे तो मजा आए? बताइए। कोई पर्टिकुलर आपने नहीं देखा कि हाँ ये टॉपिक पूछे तो अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा? नहीं। जो कागज होते हैं पुराने या पेपर फटा हुआ होता है उसे मैं बहुत सारे
एंटरप्राइज बनाते हैं। अच्छा, आप श्रमिक के बारे में बता रहे थे, श्रमिकों के बारे में, तो बताइए कि श्रमिकों की क्या क्या ऐसी समस्या है जिसके लिए अलग से ही चैप्टर दे दिया गया, फिर अलग से ही पढ़ना पड़ रहा है, क्या क्या है समस्या? मैम, यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे समाज में उद्योग धंधे हैं उसमें जितने भी श्रमिक है, अलग अलग उद्योग में श्रमिक अलग अलग श्रमिकों की समस्याएँ हैं। असल मैम, जैसे विलियम शिकार उद्योग 1966 में जो श्रमिक है उनको कार संबंधी रोग, कार संबंधी समस्याएँ हैं, उनको वहाँ कार करने से कार संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर दूसरा है मैम, उनका जैसे परिश्रम की समस्या है, इसी की जो समस्या है कारखाना की, यहाँ पर जो महिला या बच्चे काम करते हैं उनके कार के धंधे से संबंधित समस्याएँ हैं। फिर उसके बाद मैम, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत भी दिन के आधार पर जो वेतन में भेदभाव किया जाता है, ये समस्या अभिमान है। अच्छा, ये बताइए कि आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहती हैं, तो आप यहाँ आकर क्या क्या ऐसा कार्य हैं जो आप नहीं करना चाहती हैं? जैसे भ्रष्टाचार हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं, पद का ये हुआ, बताइए उसके बारे में 5 पॉइंट बताइए, तो क्या क्या आप नहीं कीजिएगा? मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूँगी। दूसरा, मैं पूरे ऐसा लीगल कार्ड नहीं करूँगी जिससे संविधान का उल्लंघन होता है। तीसरा, मेरे द्वारा किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। चौथा, मैं अनावश्यक अपने पद का अनावश्यक किसी पे अपने पद का आरोप नहीं जमाऊंगी। और पांचवा मैम, मैं जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी इसे मैं खुद अपने तक सीमित रखूंगी, उसे मैं अपनी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं करूंगी। यानी कि भ्रष्टाचार संबंधी आप कर सकती हैं और सारे प्रोविजन ये तो सारे ये तो होना चाहिए था ना कि भ्रष्टाचार नहीं करूंगी वो सुनूंगी। चलो, अच्छा ये बताइए कि इंडिया और रसिया, इंडिया और रसिया के बारे में कुछ बताइए कि उसका रिलेशन कैसा है, प्राचीन मतलब के पीछे भी बताइए और वर्तमान में बताइए कि कैसा है। मैम, प्राचीन काल में भारत का रशिया के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। जब अमेरिका के साथ हमारा संबंध उतना अच्छा नहीं था, उस समय इंडिया और रशिया का संबंध काफ़ी अच्छा था। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत का अमेरिका के साथ संबंध ज़्यादा सुदृढ़ हुआ है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि रशिया के साथ हमारे संबंध खराब हो गए हैं। कुछ क्षेत्र बताइए जिसमें रशिया हमारी मदद की है। अच्छा ठीक है, अच्छा ICDS प्रोग्राम के बारे में तो सुनी होगी, जानती भी होगी, बताइए कि क्या इसके उद्देश्य क्या है? मेन इसका उद्देश्य जो मेन है, आंगनबाड़ी जो केंद्र है वहाँ पे जो बच्चे होते हैं या उस क्षेत्र में आने वाले जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको पोषण प्रदान करना, उनका नियमित टीकाकरण करवाना, उनकी नियमित जाँच करवाना होता है। और कुछ ICDS के तहत जो CDPO होती हैं वो निरीक्षण करती हैं, उसके बाद उन्हें देखा जाता है कि जो हमारी वार्ड मेंबर है या आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ बच्चों को सही पोषक आहार प्रदान किया जा रहा है कि नहीं, वहाँ बच्चों को शिक्षा भी दी जाती है, पोशाक की राशि प्रदान की जाती है। कितने से कितने वर्ष के बच्चों को उसमें शामिल किया जाता है? 3 वर्ष, 0 से 3 वर्ष के बच्चे या 0 से 6 वर्ष के बच्चे या 3 से 6 वर्ष के बच्चे, मतलब क्या? पोशाहार के लिए 0 से 6 वर्ष अच्छी। अच्छा, पराली के बारे में बोल रही थी कि पराली जलाने की समस्या है, तो अभी हाल ही में कहाँ पे पराली के लिए बहुत सारा मतलब न्यूज़ चैनल पे देखे होंगे कि बहुत
पराली जलाने से क्या होता है? पराली जलाने से सबसे पहले तो हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, दूसरा पराली जलाने से मिट्टी भी प्रदूषित हो जा रही है, इसमें जितनी भी हमारे लिए बेनिफिशियल हानि है उनकी मृत्यु हो जाती है, वो सीधे जल के मर जाते हैं। तो उसके बाद आगे की सांसों के द्वारा वायु फर्टिलाइजर का यूज किया गया है, जिससे वो पराली को हम अच्छे से उसका डिकम्पोज कर सकते हैं, उसकी पराली की आवश्यकता नहीं होती। कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समस्या है? पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, उत्तर प्रदेश। करण जी, अभी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में शस्त्रीकरण पे बहुत ज़्यादा जोर, हिंदुस्तान में बहुत सारे शस्त्र आए हैं, आप इसको कहाँ तक उचित समझते हैं? कहा जाता भारत एक गरीब देश, विकासशील देश, इसमें शस्त्र के पीछे अरबों रुपए या डॉलर्स जो खर्च किए गए, कहाँ तक उचित है? हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए और सम्मान के लिए शस्त्र खरीदा जा रहा है, कि अगर भविष्य में कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि कोई विदेशी ताकत हमारे देश पर आक्रमण करता है तो हम उसका मुकाबला बहुत अच्छे से कर सकें, ताकि हमारे देश को किसी प्रकार की पराजय का सामना ना करना पड़े। हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए सक्रिय है। अच्छा, WTO के बारे में नाम सुने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक गैट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड। तो इसमें इसके बारे में जानकारी है आपको? तो आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ने जो चाइना के बहुत सारे व्यापार पे या सोशल मीडिया के जो एप्स वगैरह हैं इन पे जो बैन लगा है, ये WTO के हिसाब से कहाँ तक पहुँचे? इंडिया ने चाइना के ऐप पे जो बैन लगाया है उसके पीछे ये रीज़न दिया है कि हमारे देश की रक्षा संप्रभुता के लिए सही नहीं था, हमारे बहुत सारे डेटा लीक हो रहे थे, तो उसको बचाने के लिए इंडिया ने। क्या WTO ये परमिट करता है या चाइना अपील करेगा तो ये खत्म हो जाएगा? सर, WTO में ट्रेड की बात कही गई है, लेकिन अगर किसी देश के आर्थिक मामलों में उसकी संप्रभुता उसकी रक्षा से संबंधित हो तो WTO इससे इनकार करता है। अभी तो हमने देखा है, आपने भी शायद देखा होगा कि भारत सरकार ने, अभी बिहार सरकार ने भी, अनेक सारे राज्य सरकार ने बजाब के एक नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई भी चाइनीज आदमी अगर किसी भी टेंडर में, किसी भी बिजनेस में अगर पार्टनर है इंडियन के साथ भी, तो उसे टेंडर बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ना, तो क्या ये WTO के शर्तों का या एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं है? हमारे संबंध चाइना के साथ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं, तलवार के बाद। नहीं, ये बात कर रहा हूँ कि WTO के हिसाब से जो एग्रीमेंट संधि हमारी है उसके हिसाब से क्या ये उचित है? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो अभी तो